हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWT जॉब में। सूर्या सैनिक स्कूल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से शिक्षक भर्ती का नया एडवर्टीजमेंट गौरा मोहनलालगंज से आया है, जिसमें प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स में सभी विषयों में वैकेंसी है, ऑल सब्जेक्ट वैकेंसी आई हुई है। आवेदन शुल्क नहीं लग रहा है, अप्लाई कर सकते हैं आप, किसी भी राज्य के कैंडिडेट हैं। क्वालिफिकेशन जो कि नोटिफिकेशन में ही जो है हम लोग चेक करेंगे, कैसे आवेदन करना है ये सारी चीज़ें। तो चलिए पूरा जो है विज्ञापन देख लेते हैं कि इसमें जो है कौन कौन सी पोस्ट पे वैकेंसी है। PRT और TGT में तो ऑल सब्जेक्ट में वैकेंसी है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं, तो ग्रेजुएशन के साथ में BEd होना चाहिए और नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CTET कह सकते हैं, और आपके राज्य का अगर टेट आपने क्लियर किया हुआ है पेपर 1 तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस जरूर ये मांग रहे हैं, ठीक है। प्राइमरी टीचर्स के लिए ग्रेजुएशन के साथ में BEd टेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई हो और 2 साल का कम से कम अनुभव हो पढ़ाने का। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स में भी सभी विषयों में वैकेंसी है, इसमें भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में BEd 3 साल के अनुभव के साथ में। एक्टिविटी टीचर्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, डांस, थिएटर, वेस्टर्न म्यूजिक, तो इसमें जो है आप लोगों के पास इनका डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए। लैंग्वेज टीचर में संस्कृत और फ्रेंच की वैकेंसी है। मिलिट्री ट्रेनर एंड फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर की वैकेंसी है, तो इसमें आपके पास जो है नॉलेज होनी चाहिए इनकी, यानी कि अनुभव होना चाहिए। हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस के लिए पोस्ट ग्रेजुएट के साथ में BEd और 10 साल का अनुभव आपका सीनियर कोऑर्डिनेटर CBSE स्कूल का आपका होना ज़रूरी है। उसके बाद जो है लैब असिस्टेंट के लिए जो वैकेंसी है, तो 12th में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपके सब्जेक्ट रहा हो, 2 साल का जो है आपके पास अनुभव होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी है, एक्सपीरियंस्ड इन सोशल एडमिनिस्ट्रेशन विद स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल एंड लीडरशिप स्किल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अनुभव सभी में मांगा जा रहा है। एडमिशन काउंसलर की जो वैकेंसी है, तो इसमें भी जो है साइकोलॉजी में आपने BSc BA किया हो या मास्टर डिग्री किया हो, अनुभव आपका इसमें भी होना ज़रूरी है काउंसलिंग में। रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट है, रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए 12th है, ग्रेजुएशन है, क्योंकि यहाँ पर जो है ऐसा नहीं लिखा है कि आपने अगर 12th किया है और आपके पास जो है एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल है तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के साथ में भी अप्लाई कर सकते हैं। वार्डन गर्ल्स और बॉयज़ के लिए ग्रेजुएशन के साथ में 3 साल का आपका हॉस्टल वार्डन का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। नर्स के लिए जो है सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए नर्स का, और इसमें भी एक्सपीरियंस, यानी किसी भी पोस्ट के लिए फ्रेशर एलिजिबल नहीं है, सभी में जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। सूर्या सैनिक स्कूल गौरा मोहनलालगंज ये कहाँ है, तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है। अब कैसे इसमें अप्लाई करना है, तो अपना जो है बायोडाटा आप लोगों को फोटोग्राफ के साथ में मेल करना है vacancy.suryasainik@gmail.com, ठीक है। स्कूल कहाँ पर है, गौरा मोहन मोहनलालगंज लखनऊ, तो ये लखनऊ में ही है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ नीचे दिया है, suryasainikschool.com, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अनुभव के आधार पर ही जो है ये सैलरी प्रोवाइड करेंगे। सैलरी तो सैनिक स्कूल की काफ़ी अच्छी रहती ही है, अभी जितना ज़्यादा जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस होगा कैंडिडेट को उसी के अकॉर्डिंग जो है सैलरी भी दी जाएगी, ठीक है। और भी वैकेंसी आती है, आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट PRT और TGT में सभी हैं। अगर आपके पास जो है कम से कम 2 साल का अनुभव है तो प्राइमरी टीचर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं, अगर आपके पास 3 साल का अनुभव है तो आप TGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। जिस भी राज्य की वैकेंसी जारी होगी आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी वीडियो के माध्यम से। थैंक यू।